हे गाइस एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। एंड अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, मार्केट जाना है क्योंकि गणेश जी के लिए फूल माला लेनी है एंड छोटा मोटा कुछ काम भी है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जाके जल्दी से वापस आएँ ताकि हम अपना आरती के टाइम पर घर आ घर आ जाएँ जाए। एंड हाँ अपनी पूजन स्टार्ट कर सकें। यस सो अभी बात की सारी बातें बाहर, रास्ते में। अभी हम लोग हाँ चलते हैं। एंड आज आज हमारा फिर से है मैचिंग, मैचिंग इन्होंने पहना है मैंने पहना जया का सूट जो कि है ब्लू और गाजरी कलर में, तो मैंने उसी से मैचिंग शर्ट पहना है गाजरी कलर की। एंड मेरा जो ट्राउजर है वो है ब्लू कलर, इसमें डार्क दिख रहा होगा, है वो डार्क ही ब्लू, बट कॉम्बिनेशन तो है ही। चलिए अब लेट ना हो, बाकी बातें रास्ते में। ऐसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ कि हम तो नहीं दिख रहे, क्योंकि आज बहुत टाइम बाद मैं ऐसा साइड लेग करके बैठी हूँ क्योंकि हमेशा जब मार्केट जाना होता था ना तो जीन्स टॉप वगैरह वेयर करके जाते थे, बट आज सूट में हूँ तो साइड लेग करके बैठी, क्योंकि ऐसे में अच्छा नहीं लगता ना क्रॉस लेग करके बैठना, तो हाँ कंफर्टेबल ही नहीं लगता, इसलिए हम आज ऐसे ही, बट अच्छा लगता है ऐसे। वेदर इतना मस्त है, इतना ठंडा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले काफी बारिश हुई है। हाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, देख सकते हैं। तो मार्केट बहुत जाते हैं एंड जिस काम के लिए, जिस मेन काम के लिए हम जा रहे हैं वो सबसे मेन काम है भगवान जी की फूल माला लेना, तो वो ले लेते हैं एंड जो छोटा मोटा काम बचा हुआ है एक वो कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग थोड़ा और जल्दी निकलने वाले थे, बट बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो गया और आज जाना भी ज़रूरी था, इसलिए हम लोग इस टाइम पर निकले हैं ताकि फटाफट काम करके और जल्दी से जल्दी वापस हो सके। बस हम लोग मार्केट पहुंच ही गए हैं एंड अब सीधा चलते हैं फूल वाली शॉप में। हाँ जो आप ये सामने दिख रहे हैं वो है साईं बाबा की मंदिर एंड मैं आपको दर्शन भी करवा देती हूँ। हाँ बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर। और ये है फूलों का मार्केट यहाँ का। तो गाइस हम लोगों ने ले लिए हैं अभी माला और फूल वगैरह, ये है जो अभी के लिए ले जा रहे हैं कल के लिए एंड फिर उसके बाद फिर से आएंगे मार्केट एंड फिर लेकर जाएंगे फ्रेश फ्रेश। चलिए हाँ, तो फ्लावर वाला काम तो हो गया, हमने ले लिए हैं फ्लावर एंड अब चलते हैं नेक्स्ट शॉप में, जो भी और काम है वो भी कर लेते हैं एंड फिर घर घर चलते हैं। यस, कितना टाइम हो गया अभी? टाइम साढ़े छः हो रहा होगा। हाँ 6:28 है। गाइस जो हमारा सेकंड काम था वो यहाँ के लिए था, संगीत भारती है यहाँ पे एंड आपके भैया जो भी आप बोलते वहाँ पे गए हुए। एक्चुअली ना ढोलक थी ना, ढोलक के दो नट ना अच्छे से टाइट नहीं हो रहे थे, तो बस उसे ही सही करवाना था, तो थोड़ा रिपेयरिंग के लिए लेकर आए हैं। बाकी हमारे ढोलक बहुत गजब बजते हैं तो जस्ट उसे ही चेक करा थे। तो संगीत भारती है एंड यहाँ पे मुझे एक शॉप दिख रही है भगवान जी
के लिए सोच रही हूँ मैं कुछ ले लेती हूँ यहाँ से, तो चलते हैं देखते हैं मिल पाता है कि नहीं अच्छा सा कुछ। वहाँ से मैंने एक और माला ले ली है, इसे मैं घर में जाकर दिखाऊंगी, बहुत अच्छी लगी मुझे वहाँ पे। एंड जब तक मैं आई तब तक ढोलक वाला भी काम हो चुका है, ढोलक भी रिपेयर हो चुके हैं, तो बस अब हम घर चलते हैं एंड जल्दी से पहुँचना घर, क्योंकि आरती का भी टाइम हो रहा है। आई थिंक मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही होगी, मैंने मास्क लगाया हुआ थोड़ी सी कम वॉइस आ रही होगी, बस चलते घर फिर बात करते हैं। हाँ तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर फाइनली। वैसे भी ग्रीनरी देख के आप लोगों को पता चली जाता होगा कि हाँ घर के अंदर एंटर कर चुके हैं, एंड गुन्नू जी हमारा वेट कर रहे थे लगता है। आ गए हैं हम, एंड आरती का भी टाइम हो चुका है, एंड अभी टाइम है आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 बज गए हैं, मतलब 6:28 पे हम लोग फूल माला लेके फ्री हुए थे, उसके बाद बाकी का सारा काम हम आधे घंटे में कंप्लीट करके एंड घर भी आ चुके हैं। तो चलते हैं आगे पूजा पाठ करते हैं एंड आपको भी दिखाते हैं, एंड आरती में हमारे साथ जरूर सम्मिलित होइएगा, बस थोड़ी देर बाद। काम भी करती हो, माइक लेके घूम रही है बस। हाँ बहुत है ना, इधर हो रही है पूजन की तैयारी शाम की। असिस्टेंट आपके ये और क्या लाना है भैया, और मैं बैठ के अभी ना सलोनिया खा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना मार्केट से आने के बाद बहुत तेज भूख लग गई, दाल चावल ला रही है वो खाएंगे। ये दोनों भी आए हुए हैं लक्ष्मी को शांत करने के लिए। Yeah.
गाइस, थैंक यू सो मच. हमारे साथ में आरती और भजन और हमारे साथ एंजॉय करने के लिए उस समय हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू. मैं तो वैसे भी मतलब सोचता रह गया कि कुछ बोलूं. हमारी एक्सप्रेस जो छूटी स्टेशन से तो बिल्कुल एकदम नॉन स्टॉप. तो मुझे पता है ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं सो गाइस पूजा हो चुकी है एंड भजन वगैरह भी हो चुके हैं, सारे लोग घर से जा चुके हैं, तो अब हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ी सी रील्स बना लेते हैं एंड उसके बाद फिर मिलते हैं. मुझे पता था ये यही बोलेंगे, इसलिए मैंने आपको थैंक यू बोल दिया कि थैंक यू सो मच. आप लोग यार आज आप इतने प्यारे लग रहे हैं, बताइए इतने सुंदर लग रहे हैं, तो मतलब आप कुछ भी बोलेंगे क्या? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इतने प्यारे लग रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि रील्स बना लेते हैं. मैं इसीलिए आप लोगों को बोलने वाला था, पर मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया है गाइस, इसलिए मैंने एक रील्स बनाई है. आप लोग चेकआउट ज़रूर कीजिएगा. तेरे आगे मेरी एक नहीं चलती, उसको देखिएगा, उसके अंदर मेरी फीलिंग्स छुपी हुई है. तो बहुत अच्छा लगा. आज भी इन्होंने लाइव सेशन ज्वाइन कर दिया था इंस्टा में. yes. और काफ़ी लोग ज्वाइन हुए थे जिन्होंने दर्शन भी किया, भजन में शामिल भी हुए और बातचीत भी हुई. कुछ लोग लाइव वीडियो कॉल पे भी ज्वाइन हुए थे, तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है. हालांकि इस समय इतनी बातचीत नहीं हो पाती, लेकिन वो माहौल बहुत अच्छा लगता है. बट प्रेजेंस हो जाती है. हम भी मतलब अपना एक वो बना रहे हैं, टाइम टेबल बना रहे हैं आप लोगों के साथ डेली लाइव ज्वाइन करने के लिए. तो अभी जैसा चल रहा है इससे मैनेज कर लीजिए. जो भी हम लाइव रहते हैं वो हम IGTV पे डाल देते हैं. आप जो लोग अभी ज्वाइन नहीं करते हैं वो चेकआउट कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल, कितना मजा आता है लाइव, एक बार चेकआउट तो जरूर कीजिएगा. मैं इंस्टाग्राम हैंडल एंड पता है जो लोग नहीं ज्वाइन करते हैं ना, वो IGTV देखने के बाद ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे. सच बोल रहा हूँ लिटरली. और आप लोगों को इतना मजा आएगा ना उस टाइम पर. जो भी लोग ज्वाइन करते हैं आप एक बार उनसे पूछिएगा कि कैसा लगता है. ये लोग स्माइल कर रहे, देखिए स्माइली वाला रबर बैंड है इनका. तो अभी हम लोग चलते हैं, रील शूट करते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं. ओके देखिए, अगर मैं नहीं बोलती तो ये बात जो अभी बोल रहा है ना, ये थोड़ी देर पहले बोल के और अभी बंद कर दिए होते. हाय हाय मेरी 100,000 वाइफ, अब चल के बना ले. मतलब यार सुंदर है, इसका मतलब नहीं कि कुछ भी बोले. अरे यार कुछ भी, चलिए. मेरे बाल कैसे हो गए यार, लग रहा है बहुत जल्दी हेयर कट लेना पड़ेगा. हेयर कट भी लेना है एंड शेव भी सेट करवाना है. बोरिया अरे जय बस चलिए रील शूट करें एंड फिर मिलते हैं. एंड रील्स चेकआउट जरूर कीजिएगा. इस ब्लॉग से पहले तो आपने चेकआउट कर ही लिया होगा, मुझे पता है. नहीं किया होगा तो जाकर देख लीजिएगा, हमारा बताना फर्ज है. देखिए गाइज, ये बोले कि चल के रील्स बना लेते हैं और अभी तक बैठे हुए होगा. मैं मुंह बंद क्यों कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ. देखिए आप लोग कितना मेरे नाट कितना इंतजार हो रहा है. आप लोग ये क्या था? मेरा मुंह बंद कर दिया जरा ताकि मैं कुछ बोल ना सकूं. पिछले आधे घंटे से यहीं बैठी हैं, अभी तक एक भी रूल्स तो छोड़ी है. एक भी रूल्स नहीं बनाए जिसे मैं फॉलो कर सकूं. अभी तक एक भी रील्स शूट नहीं करने दिए इन्होंने. देखिए माता जी का शेर आपको घूर रहा है. ओह माय गॉड, देखिए फिर भी एक शेर बैठा उधर. चलें अब कृपया करके अपना आसन से उठिए और बड़ा कदम बढ़ाइए रूम की तरफ, वहां चल के रील शूट करते हैं. चलिए
चलिए गाइस। तो गाइस हमारी रील शूट हो चुकी है और आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नहीं देखा होगा तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जाकर चेकआउट कीजिएगा। एंड आज का व्लॉग रखते हैं यहीं तक, कल से क्या मतलब रोज ही हम मिल डेली रहे आ रहा है हैं, अपन कल डेली फिर मिलते व्लॉग। हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। हाँ तब तक के लिए बाय बाय, बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। एंड डेली व्लॉग्स आ रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्रेस द बेल बेल आइकन, आइकन ताकि जब भी हमारा कोई न्यू वीडियो आए आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच फास्ट जाए। पहुंच जाए, फास्ट पहुंच जाए। ओके, सो बाय बाय, गुड नाइट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, लव यू ऑल, गणपति बप्पा मोरिया। मोरिया।